बस हो गया अच्छा बस हो गया ओरिजिनल मिली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एकदम ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक खोलो जरा दिखाओ कुछ मिला हुआ कुछ यहाँ पे हमको गाड़ी का थोड़ा ब्रेक ब्रेक पैड चेंज करना है एक्चुअली गाड़ी हैंड ब्रेक पे चल रही है ना तो कितना दिन चलेगी ना तो ब्रेक पैड तो चेंज करना ही पड़ेगा कितने घंटा कितना घंटा दिन भी निकल सकते क्या क्या हुआ गाड़ी में जरा बताओ ब्रेक पैड गया इसका देख सकते हैं आप ब्रेक पैड पूरा एकदम घिस गया है पूरा सनासन ऐसा रहता है और ये वो नया ऐसा है अब देख सकते हो डिफरेंस दोनों के बीच में तो अभी हम लोग निकले हैं तो अभी हम लोग निकले हैं सीधा आपको मिलेंगे आधे रास्ते में बाय बाय टेक केयर अबे बता रहे डरा रहे लोगों को सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल गाइज आई होप एवरीथिंग परफेक्टली फाइन इट्स अनदर डे इट्स अनदर व्लॉग एंड गाइज आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन अ यूट्यूब चैनल इट्स ट्रैवल विद चिकू सो यस गाइज अभी अपन नजरापुर में है अपना कल जो जर्नी शाम को चालू हुआ था सो अपन बाई ट्रेन आए थे एंड देन बाई ट्रेन अपन ने पूरा जर्नी मैंने एपिसोड वन में रिकॉर्ड किया है सो एपिसोड वन अपना आज लाइव हो जाएगा मैं हूँ और कर्नाटक से अभी हम लोग निकलने वाले हैं टूवर्ड्स आंध्र प्रदेश की तरफ तो यहाँ से जो जर्नी है वो 300 किलोमीटर का जर्नी है सो ये हम लोग दो ऑप्शन थे एक्चुअली गाड़ी है तो फोर व्हीलर से जाने का प्लान है अभी यहाँ से हम लोग चार लोग हैं सो अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं टूवर्ड्स एपी की तरफ टूवर्ड्स मल्लिकार्जुन तो आज हम लोग रात तक मल्लिकार्जुन पहुँच जाएंगे मतलब 6-7 बजे तक अभी तो लगभग 11 बजे है तो यहाँ से लंच करके निकलेंगे सो आज शाम तक अपन मल्लिकार्जुन पहुँच जाएंगे तो आज शाम का स्टे मल्लिकार्जुन में फिलहाल के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ का जो पीसफुल क्लाइमेट है माहौल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी है मैं आपको एक व्यू देता हूँ आप देख सकते हो सो ये जो मेरा जहाँ का ये लोकल बंदा है उसका ये स्टे है घर तो आप देख सकते हो चारों तरफ आपको पूरी पहाड़ी दिखेगी आपको चारों तरफ और ये उनका रूम है तो यहाँ पे अपना एपिसोड वन का वीडियो भी रेंडर हो रहा है सो जैसे रेंडर हो जाए अपन लंच करके निकलेंगे यहाँ से सो मैं अपलोडिंग के लिए डाल दूंगा सो ये सभी के लिए पहले यहाँ से निकलते हैं और बाकी डिस्कशन अपन ऑन द वे करेंगे सो ये जर्नी अपना टूवर्ड जाएगा मल्लिकार्जुन की तरफ आंध्र प्रदेश तक का सो यस क्या बोलते हैं कंपनी क्या बोल रही कंपनी अभी हम जा रहे हैं श्रीशैलम कमाई बहुत मनी हमारा सेकंड डे चालू हुआ है अभी एपिसोड टू में आप सबका एक्साइटमेंट के साथ वेलकम है क्या कर रहे हैं बोलो कुछ बोलो पब्लिक के लिए हम अभी कौन से गांव में गए अभी हम लोग से गए थे नजरापुर अभी नजरापुर से हम निकले गुरमेडिकल में वापस खड़े हैं अभी गुरमेडिकल से हम जा रहे हैं श्री सेम का निकल रहे हैं तैयारी चालू है हमारे गांव गए थे वो भी बताओ ना हम हमारे गांव गए थे के दादी से मिलके आए बहुत अच्छा लगा 6-7 मेरे बाद भी मिला दादी से और बहुत अलग ही फील हुआ बहुत अच्छा फील हुआ पूरा इमोशनल भी था ठीक है अभी हम जा रहे हैं टूर पे भी लेके गए यस यस हमको भी घुमाया गांव दिखाया जाने वाला का प्रॉब्लम है बहुत मजा आया अच्छा है तो अभी ड्राइवर सीट पकड़ ली है हां अभी गाड़ी चला रहा है मेरे को 350 किलोमीटर यहां से और सोच रहा हूँ कि नॉन स्टॉप भी जाए क्योंकि काफी लेट भी हो गया है हमें 6 बजे से पहले पहुंचना भी है लैपटॉप यूज करते हैं ना यस 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 चलो चलो गाइस अब बैठो सो अभी भी अपन सुबह जहाँ से अपन ने जर्नी अपना निकले थे वहाँ पे अपन ने बोंडा खाया था वही जगह ना बोंडा खाया था यस उधर ही बोंडा खाया था अभी हम लोगों ने सो अभी निकल रहे हैं यहाँ से और आज का दिन भी अच्छे से गया है महाकाल की कृपा से जैसा दिन प्लान किया था वैसा दिन गया है सिर्फ थोड़ा सा लेट हो गया अपने को निकलने के लिए बट कोई नहीं अभी चलो भाई अभी ये भी आने वाले हमारे साथ जर्नी में तो चलो आपके घर के दे रहे हैं ना अभी तो अभी इनके घर के दे जाएंगे फिर वहाँ से निकलेंगे चलो हाँ मैं भी कपड़ा लेगा आप भी ले रहे हो चलो चलो अभी गाड़ी अपनी लोड हो गई है अभी अपन निकल चुके हैं टूवर्ड्स उनके घर के तरफ और फिर वहाँ से अपन निकलने वाले हैं मल्लिकार्जुन के लिए तो ये सफ़र एंजॉय करेंगे गाइज स्टे ट्यून और यहाँ पे हम लोगों ने बोंडा खाया था गाइज यही जगह सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आके अपन ने बोंडा खाया था ये जगह पे यस एसके टिफिन सेंटर हमारे साथ आज सेकंड डे में इनका नाम है जनप्पा मुकड़ी हाँ ये हमारे गाइड है आज के श्रीशैलम के
तो अभी हम लोग निकले हैं, तो अभी हम लोग निकले हैं, सीधा आपको मिलेंगे आधे रास्ते में, बाय बाय, टेक केयर। अभी बता रहे डरा रहे लोगों को। चलो अभी हो गए यहाँ से, 2500 का पेट्रोल भर दिया, मतलब 22 लीटर अप्रोक्सीमेटली पेट्रोल भर दिया है, तो अभी पेट्रोल भरने की चिंता नहीं है, राइट? यस। दो लोगों ने कैश दिया है, बाकी लोगों ने जीपे किया, ऐसे हम लोग का कंट्रीब्यूशन चल रहा है, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पे जीते हैं और कंट्रीब्यूशन पे रहते हैं, लाइफ भी कंट्रीब्यूशन ही है, और बस इतना ही है, आगे के लिए रखते हैं। ये गांव के मेंढरा है और बकरी है और सब मिक्स है, एक बड़ा मेंढरा भी है जो सर डाला है, हाथ दिखा रहा है अभी। ये ऐसा सब होता है गांव में, इनको संभालना कोई खाने का काम नहीं है। सही बात बोल रहे हो, इनको खिलाने के लिए खुद क्या खाता रहेगा वो सोच रहा हूँ मैं। और ये ब्रेक पैड का जलने के बाद सारे की क्लच प्लेट का, क्लच प्लेट का जलने के बाद बात आ रहा है कुछ तो ना जलने क्लच प्लेट का, ऐसा क्यों भाई? क्लच प्लेट डालना पड़ेगा अभी, कुछ बोल मत सर, बोल तो मैं पनौती हूँ, मैं क्लच तो दबा ही नहीं रहा हूँ, फिर क्यों जलने की बात आ रही है, पकड़ रहे क्या? कुछ तो बोलो, ब्रेक पैड शरीर से काला हूँ मगर मेरा मन बहुत गोरा है, और मैं क्या गोरा है, और मैं चूतिया तो नहीं हूँ, पर मेरा दोस्त साला मेरे को हमेशा चूतिया बोलता है, उसको तो एक दिन छोड़ूंगा नहीं मैं। दोस्त कौन है? महेश वंडीरवीर, लॉक किया जाए। बस हो गया, अच्छा बस हो गया, ओरिजिनल मिली, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एकदम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक। खोलो जरा दिखाओ सब्सक्राइबर्स को, ह्यूमन एग्रीटी प्योर, एकदम प्योर, गजब गजब लजीज, एकदम एकदम लजीज, सीरियसली यार एकदम फ्रेश, कोई मिलावट नहीं, नेचुरल, माय गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, यस भाई, एकदम देख के यम्मी लग रहा है। How is it taste? एकदम खट्टा मीठा, एकदम मस्त मस्त खट्टा मट्टा, इसको भी तोड़ दो, खाते अपन भी। मामा इपुड़ मना लक्ष्मी मामा मगर बागे ना, बहुत खट्टा है, बड़ा अच्छा टेस्टी है, मतलब पानी इनका खाते लास्ट ना पिला पिला जा लोग पंजे से। सतीश क्या करने गया उधर? नहीं खाते, नहीं हम नहीं खाते ये सब, क्यों? हम तो पचाते हैं, दिस इज नेचुरल, यू हैव टू, हम नहीं खाते ये सब। ये देखो अभी ये था रे, अभी दूंगा बिल्डिंग के निकल कर फोटो, और यहां पर है भीम चंतल, उधर ही फोटो बना दो, और यहां पर गाय भी है, हट जाइए जरा, कमाल गया गाय के मन का, ये यहां का ट्रावल दे दो, यहाँ पर गाय भी है, वहाँ पर अंकल है, वहाँ पर हम लोग के चल है, कैमरा रखिए, आपको हर चीज़ देखने मिलेगा, ये बहुत हैवी ड्राइवर, और बाहर भी एक हैवी ड्राइवर है जो बाइक पे पूरा संसार लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, कोई कोई बीट नहीं कर सकता इसे। और यहाँ पे भी अपने साथ हैवी ड्राइवर जो हैंड ब्रेक पे गाड़ी को, ये काफी कम लोग कर सकते हैं, ये मुंगी का दिमाग है एक्चुअली, ये कोई नहीं पकड़ सकता इस दिमाग को, ये पूरा मुंगी वाला दिमाग है, हैंड ब्रेक पे गाड़ी चलाना मतलब इट्स अ हैंड्स ऑफ, एक्चुअली हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, फिर से एक बार हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, या या, अरे कोई खाने की बात है क्या? हां नॉनसेंस, महाकाल का हाथ है मेरे सर पे, कुछ नहीं होगा, महाकाल के भक्त है अपन, महाकाल के साथ, महाकाल का बुलावा आया है इसलिए हम लोग निकले हैं, तो महाकाल तो ऐसे अपने को कुछ बने।
जाने नहीं देंगे। मेरा तो नाक के बराबर था जाने का, लेकिन माता का बुलावा आया है तो चल रहे, तो अच्छा लग सा प्रोग्राम बन गया, तो अभी निकल रहे सफर पे। क्या बात है, देख रहे हो ऐसा होता है, नागल का बुलावा एक बार आ गया ना तो बस लपेटे में सबको लेते हैं, निकलने की दूरी है, गिल्ले के साथ सूखा भी सूखे के साथ गिल्ला भी निकल जाता है। सही बोल रहे हो। मेरा दोस्त एक अभी खा पी के सो रहा है और बहुत ही सोता है, खाता कम है पर सोता बहुत ज्यादा है। क्या कर रहे हैं अभी, सफर तो सफर है, वो भी अभी नींद में है और हम लोग अभी आंध्र प्रदेश पहुंच चुके हैं। यस, अभी फुल एंजॉय कर रहे हैं, अभी अभी तक का जर्नी तो बहुत अच्छा हुआ और हम लोग कर्नाटक में हम लोगों ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया ताकि हम लोग मतलब बहुत सारी चीजें पार्किंग थी, जैसे महेश को जाना था उसके गाँव में और भीम भाई का भी कुछ घर पे काम था, तो सारी चीजें हम लोग ने खत्म किए, अभी निकले हैं। अभी आप देख सकते हो 17 फरवरी और 2:40 हुए हैं, तो अभी अपना जो ये सफर रहेगा लगभग 6 तक अपन 3 में ये जर्नी खींचेंगे और हो सके उतना अर्ली, मतलब नाइट में नहीं रात, मतलब विजन अच्छा रहेगा उसके पहले अपन पहुंच जाएंगे मल्लिकार्जुन, और बाकी तो अपन सफर एंजॉय करते रहेंगे, चाय भी के लिए पी के रुकेंगे, तो पता चलेंगे आपको मिलेंगे डायरेक्ट सीचलम के रास्ते पे, रास्ते पे मिलेंगे। यस तो यस, और यहाँ पे एक चीज जो इम्प्रूवमेंट मुझे देखने मिली है, जैसे कि हम लोग गांव में गए थे, गांव में नेटवर्क मिला हम लोग को 4G, वो भी 4G नेटवर्क, मतलब जबरदस्त। मेरे यहाँ पे महाराष्ट्र में कोल्हापुर में मेरे यहाँ पे नहीं है गांव में उतना 4G नेटवर्क, तो यहाँ पे इतना गांव-गांव में नेटवर्क आ रहा है, तो जबरदस्त यार, यहाँ के गवर्नमेंट ने अच्छा अच्छे दिन आए थे और अच्छे दिन आ गए है। यहाँ भी हमको गाड़ी का थोड़ा ब्रेक पैड चेंज करना है, एक्चुअली गाड़ी हैंड ब्रेक पे चल रही है ना, तो कितना दिन चलेगी ना, तो ब्रेक फिर तो चेंज करना ही पड़ेगा, कितना घंटा कितना घंटा दिन भी निकल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ गाड़ी तो गाड़ी है, चलाना तो हमको है। किधर भाई, आगे है क्या? आगे आगे एकदम लास्ट में, तो अभी गाड़ी पे थोड़ा काम करना, बाकी तो गाड़ी काम करेगी, तो एक घंटा हमारा उसमें जाएगा। आप आई होप आप एंजॉय करेंगे, तब तक वीडियो हम मिलते हैं आपको एक घंटे के बाद, सी यू सून गाइस, बाय। तेलंगाना पहुंच गए और तेलंगाना बॉर्डर पे हम लोग चाय विला में पहुंच बैठे हैं अभी, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम हो गया है तो उसका ब्रेक पैड चेंज करना है, तो अभी वो चेंज कर रहे हैं, तो उसमें आधा घंटा जाने वाला, तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी लगभग 3:20 हो चुके हैं और ये दाढ़ी में कंघी फंस चुकी है भाई के, अभी हिलना नहीं है तेरे को, कंघी गिर गई तो ख़त्म। एक्चुअली मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बाल वाल तू उधर ही काट लेना, महाकाल के बच्चे ऐसा लगना चाहिए, वो मेरा दोस्त है, बहुत ही थोड़ा है, मतलब क्या बोल सकते हैं अभी उसके बारे में, गोरेगांव में रहता है, महेश छोंटी नाम है उसका, थोड़ा हरामी है पर दोस्त है मेरा, उसके पास कैमरा लेके जा रहे हैं हम लोग अभी। That's this guy. साले कुछ भी बोल रहे, जब कोई बोलता कुछ भी तो समझ आना कि वही सब कुछ रहता है, कुछ भी कुछ नहीं होता है, कभी भी कोई चीज़ की साजिश डायरेक्ट नहीं होती है, पहले उसकी सोच होती है फिर साजिश होती है। बैठने के लिए यस सी दिस, सो यस, अभी अभी पहला अपना गाड़ी का भी काम वहाँ पे चल रहा है, यस सी दिस, तो गाड़ी में थोड़ा माइनर प्रॉब्लम आ गया, ब्रेक पैड का इशू आ रहा था, तो अभी तक जो गाड़ी चल रही थी वो पूरी हैंड्स फ्री पे गाड़ी चला रहे थे जो हमारे हैवी ड्राइवर है वो, सो अभी इसके बाद इसके लिए थोड़ा काम इसका जल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाना है 200-250 किलोमीटर चलना है, तो 250 किलोमीटर के लिए अपने को गाड़ी प्रॉपर चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपने को, इसके लिए सारी चीज़ें कर रही है, बाकी तो अपने को 7 के पहले पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मल्लिकार्जुन के जो डोर्स है वो शाम को 6 के बाद बंद किए जाते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है दैट इज़ प्योरली ऑन अ फॉरेस्ट एरिया, तो इसलिए वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ ना हो यही हमारी एक ये है, सिर्फ वही एक हमारी ये है, भगवान से प्रार्थना है, भोले बाबा को प्रार्थना है कि भाई ऐसा कुछ ना हो। एंड यू कैन सी हियर, ये ऐसा कुछ अपना काम चल रहा है गाड़ी पे, क्या क्या हुआ गाड़ी में जरा बताओ, ब्रेक पड़ गया इसका, देख सकते हैं आप, ब्रेक पूरा एकदम घिस गया है, तो भी कितना टाइम जाएगा और लगभग 15-20 मिनट गाइस,
बस ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया अपने लिए, अपने रोड ट्रिप में बोलते हो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है, तो ये छोटी सी माइनर चीज़ आ गई है जिसके वजह से हम थोड़ा अभी संकट में आ गए। बट भोले बाबा है हमारे साथ, क्या महाकाल का साथ है अपने साथ, तो क्या टेंशन है अपने सर पे महाकाल का हाथ है। यस, तो कुछ नहीं हो सकता अपने साथ, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और महाकाल का बुलावा ही आ गया है इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है उसके लिए। तो अभी फाइनली हमारा काम हो चुका है, जो ब्रेकर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, अभी हम निकलेंगे आगे। फाइनली कैसा, मतलब कैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अपन ने फटाफट? पिशन नहीं दब रहा था, पारा सब स्लिप हो गया था। यस, कैसे जुगाड़ कर दिया है। चलो बढ़िया बढ़िया हो गया हमारा। यस, तो अभी अपन निकल सकते हैं, मतलब होप सो। चलो चलो चलो, या लवली लवली। सो गाइस अभी अपना काम हो गया, अभी टायर लग रहा है और ब्रेक का काम भी अभी फर्स्ट क्लास हो गया, तो नया ही ब्रेक डाल दिया, अभी कोई टेंशन ही नहीं है। तो अभी अपना भाई, तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद भाई। सो मोहम्मद भाई ने भी बहुत मेहनत की हमारे लिए, थैंक यू मोहम्मद भाई। ज़रूर अपने चैनल को लाइक करना और फॉलो करना, सब्सक्राइब कर दो पहले। और यहाँ पे पानी, हमारे लिए भी पानी का व्यवस्था हो चुका है बढ़िया वाला। सो फाइनली ट्रिप इज ऑन, काम हो गया है। ट्रिप इज ऑन, यस ऑन। गो हेड, गो हेड, गो हेड। और मैकेनिक भाई ने सब काम पर भाई, मोहम्मद भाई, क्या नाम है? मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई ने काम बढ़ा दिया है। महाकाल, महाकाल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करे। इससे पे सीधा कंटिन्यू करेंगे, 80 किलोमीटर का ये अप्रॉक्स रास्ता है। ये जनरली 6 बजे के बाद, 6:30 के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है, बट अभी ये रास्ता खुला है ड्यू टू महाशिवरात्रि, और यहाँ से लोग पैदल जा रहे हैं। देखो लोग पैदल जा रहे हैं गाइस, यू कैन सी हियर। सो ऐसा पाई लोग जाते हैं यहाँ से बाय वॉक, और यहाँ से श्रीशैलम किलोमीटर लिखा नहीं है बट लगभग ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 80 या 75 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ से सीधा अपने को निकलना है अभी श्रीशैलम की तरफ। सो अभी डायरेक्टली श्रीशैलम मिलते हैं, बाय बाय। गाइज अभी अपन अमराबाद की घने जंगलों से जा रहे हैं। यहाँ पे अपने 2-3 नोटिस देख लिए ऑलरेडी कि टाइगर है और बहुत सारे एनिमल्स है बेसिकली, तो आपको 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है। यहाँ पे रुकना नहीं है आपको, यहाँ पे रुकना नहीं है आपको। सेकेंडली कोई भी एनिमल्स को आपको फीड नहीं करना है और कॉन्स्टेंट चलते रहना है आपको बस। ये 75 किलोमीटर का पैच है, ये आपको सिंपली क्लियर करते जाना है नॉन स्टॉप, और आप देख सकते हो कितना घने घने जंगल है, घने जंगल, कितने टर्न टर्निंग्स है, कॉम्प्लिकेटेड। यस, कॉम्प्लिकेटेड टर्न्स है। बट हाँ, अगर अपन यहाँ पे सुबह आते या फिर दोपहर में आते तो बात ही अलग होती, सिचुएशन वुड बी डिफरेंट, तभी आपको ये नज़ारे देखने का मौका मिलता और अच्छे से मैं भी दिखा पाता आपको। बट अभी ये अंधेरे की वजह से मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ, और अभी 9:30 को मंदिर बंद होने वाला है आज। सो अभी 7:30 बजे, अभी और 2 घंटा लगेगा अपने को पहुंचने के लिए वहां पे। तो जैसे पहुंचते वहां पे स्टे करेंगे और उसके बाद फिर सुबह दर्शन लेने का प्लान करेंगे। यहां पे भी देखो फॉक्स, फॉक्स देख सकते हो गाइस, नोटिसेस। तो ऐसे सब चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी घने जंगल है पूरे। इसी के साथ गाइज कृष्णा रिवर को क्रॉस करते हुए अपन जा रहे हैं अभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बॉर्डर और आंध्रा बॉर्डर है ये बीच में। अंधेरों के टाइम अंधेरा है इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिखता नहीं होगा, नहीं दिखेगा अंधेरा है, कल से मेरे ड्रोन उठाएंगे ना।